हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तो गाइस ये है हाँ, मैंने पुराने कपड़ों को ये कट कर लिया है पतली पतली स्ट्रिप में जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने एक एक इंच लिया हुआ है एक एक इंच की पतली पट्टी मैंने कट की है अब मैंने इसमें तीन पट्टी ज्वाइन की है और दो मैंने पर्पल कलर का लिया है एक मैंने वाइट कलर का लिया है अब मैं तीनों को ऐसे आपस में सुई धागे से सिल के जोड़ दूँगी ज्वाइन कर लूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और इसके बाद फिर आपको क्या करना है इसको ऐसे रख के कि किसी आप पर टेप से देखिए मैंने इतने सारे स्ट्रिप कट कर लिए हैं टेप से मैं इसको चिपका दूँगी कहीं भी और इसके बाद फिर अब मैं इसकी चोटी गूँथूंगी जैसे आप अपने हेयर बालों में चोटी गूँथते हैं वैसे इस कपड़े से आपको चोटी गूंथता है और ये मैं डोर मैट बना रही हूँ आज मैं आपको दो तरह से डोर मैट बनाना बताऊँगी वो भी इसी चोटी से ही और ये बहुत ही प्यारा लगेगा तो आपके पास जितने भी कपड़े हैं आप पहले सबसे पहले उसको ऐसे पतली स्ट्रिप में कट कट कर लीजिए और कट करने के बाद फिर आपको ऐसे ही चोटी गूँथना है अब इस चोटी में बाद में जो कपड़े भी जोड़ने होंगे वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे इसमें कपड़े जोड़ने हैं और इसे मैं बहुत ही लंबी चोटी मुझे बनानी है तो मैं ढेर सारे कपड़े को एक साथ में कट कर ली हूँ अब देखिए इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी एक होल बना दूँगी और जैसे ये देखिए ये मैंने होल बना लिया अब जो कपड़ा उसमें जॉइन करना है जो स्ट्रिप उस भी मैंने होल कर लिया है अब उसके ऊपर मैंने ये दूसरी पट्टी को रख दिया है होल के ऊपर और उसका जो आखिरी वाला सिरा है उसके नीचे से डाल के मुझको ऐसे खींच देना है खींचने से ये इसमें नॉट लग जाएगा उसके बाद फिर आप इसको ऐसे गूंथते जाइए उससे क्या है कि आज पर यह जोड़ पता भी नहीं चलेगा जब आप चोटी गूँथ लेंगे तो उसी में गुंथ जाएगा वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और बहुत ही अच्छा लगता है और देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है आप भी जब भी यूज़ करें तो कोई एक डार्क कलर लीजिए तो एक लाइट कलर लीजिए ताकि डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से बन के आए तो इसमें मैंने वैसे ही यूज़ किया है और कि एक मैंने डार्क लिया है दो मैंने डार्क लिया है एक मैंने लाइट लिया है अब इसमें भी देखिए सेम मैंने वैसे ही ब्लैक लिया है और वाइट लिया है तो ये मैं एक बार फिर से ये गाठ लगाना बता दे रही हूँ मैंने किया था होल्स पे उसको रख के फिर ये नॉट लगा देना है अब देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है इसके नीचे ही इसके ऊपर ये ये पहले कट कर लीजिए उसके बाद फिर ये होल के ऊपर ऐसे रख दीजिए और जिसको आखिरी सिरा है उसके नीचे से डाल के ऐसे ही खींच लीजिए तो उससे आपका ये गांठ अच्छे से लग जाएगा ये आपकी स्ट्रिप आपस में ज्वाइन हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने ये ज्वाइन कर लिया है अब मैं और भी आपको एक बार और भी बता दे रही हूँ तीनों में तो अगर आपको अच्छे से आ जाए अब ये मैंने कर लिया अब मैं ऐसे फिर से अगेन ऐसे ही चूटी की तरह कुत्ते जाना है मुझे तो ये मैं उसके आगे से ही दूसरे दूसरे कपड़े जोड़ते हुए मैंने इसमें गांठ लगा 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 के मैंने जोड़ लिया है और मैं बहुत ही बड़ी सी ऐसे ही रस्सी इसकी बना लूँगी और बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ दिखा आगे क्या करना है अब ये मैंने सब गूँथ लिया है उसके बाद इसको फिर मैं सुई धागे से पूरा ज्वाइन कर दूंगी ताकि ये खुले ना सुई धागे से पूरा आपको यहाँ पे सिल देना है जोड़ देना है तो ये मैं तीनों पट्टियों को जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था ऐसे मैंने ये जोड़ दिया अब उसके बाद क्या करना है सुई धागे से ऐसे ही आपको ये सर्कल की तरह आपको बनाते जाना है ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ और ऐसे आपको गोल घुमाते हुए जाना है ताकि अच्छे से ऐसे ही ज्वाइन हो जाए और ये बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही प्यारा लगता है और ये देखिए मैंने ये जॉइन कर लिया था सुई धागे से अब मैं अब एक दूसरा बता रही हूँ अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो फैब्रिक ग्लू के हेल्प से भी आप इसे चिपका सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है सिलने में जैसे आपको टाइम लगता है पर इससे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तो ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू रखा हुआ था तो ये मैं उससे करके आपको दिखा रही हूँ बस आपको ऐसे साइडों में लगा देना है और ये जो मैंने कपड़े यूज़ किए थे ये टी शर्ट के कपड़े थे लेगीज़ के कपड़े थे ये पर्पल मेरा लेगी ही था तो ये इसमें बहुत ही आराम से पेस्ट हो जाता है और ये निकलता भी नहीं है तो अब मेरे पास ये थोड़ा सा रखा हुआ था तो जितना है मैं उतना इसमें यूज़ कर लूँगी अगर कम पड़ेगा तो मैं आगे ही उसको सुई धागे से ही सिलाई कर दूँगी तो ये देखिए अब आगे से ये मेरा दूसरे कलर की पटरी आगे ये मैंने पूरा ये जहाँ से आपको वाइट दिख रहा है ये सब मैंने ग्लू से ही किया है पर ये ग्लू सूखने के बाद फिर बिल्कुल भी दिखेगा नहीं और ये सिर्फ कपड़े के कलर में ही आ जाता है तो अब ये पूरा हो नहीं पाया था उसके बाद अब मैं इसे सुई धागे की सहायता से इसे जॉइन कर दूँगी थोड़ा बहुत ग्लू मेरा कम पड़ गया था जहाँ तक जितना ग्लू था उतना मैंने कर लिया है तो मैंने आपको ये दोनों तरीक़े बता दिया कि आपकी मर्ज़ी अगर आप ग्लू से करना चाहो तो आप ग्लू से भी कर सकते हो उससे बहुत ही जल्दी हो जाएगा और सुई धागे से थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सुई धागे से भी आराम से हो जाता है और आप चाहो तो मशीन से भी सिल सकते हो पर मैं हाथ से ही बुनाई हूँ और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका बहुत बड़ा सा मैंने अमेज़न पर देखा था तो करीब आठ सौ रुपये का था तो मैं बहुत बड़ा सा बनाने वाली थी फिर मैंने कहा नहीं आपको दो तरीके से बता देती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा इसकी साइज़ छोटी रखी है पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है आप इसे चाहे डोर मैट की तरह यूज़ करिए या आपके पास कोई गोल्ड टेबल है उसके ऊपर भी बिछा के यूज़ कर सकते हैं तो ये कितना प्यारा लग रहा है अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए क्या करना है मैं ओवल शेप में बनाऊँगी तो इसके लिए ये दे देखिए इसकी इसको आपको लंबाई में लेनी है तो जैसे कि मैं ले रही हूँ पहले मैंने वो सर्कल में फोल्ड किया था अब इसके लिए मैंने ये लेंथ में ये ले लिया है अब मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँगी और तो रियली गाइस ये बहुत ही प्यारा लगता है आप जरूर ट्राई करिएगा और ये जो मैंने सर्कल वाला बनाया है तो आप इसे किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके पास कोई बड़ा ड्रम है या डिब्बे है आप उसको भी ऊपर से ऐसे क�... उसके अंदर कोई भी सामान रखने के बाद उसके ऊपर भी ऐसे कवर कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी ऐसे डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं तो देखने में भी प्यारा लगेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप डोर मैट की तरह ही यूज़ करें अगर आप बहुत ही बड़ा बना रहे हैं फ्लोर मैट की तरह बना लीजिए उस इसमें तो बच्चे भी बैठ के ट्राई कर सकते हैं आप खुद भी बैठ सकते हो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है अगर आपका फ्लोर सीटिंग एरिया है तो आप वहाँ भी भी रख सकते हो तो बहुत ही प्यारा लगेगा अब इसको आपको ऐसे ही जॉइन करते जाना है तो देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है तो आपका जो मन के आप वो बना सकते हो मैंने आपको ये दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और मुझे काफ़ी पसंद आया और आप खुद ही अमेजोन पे या किसी साइट पे जाके चेक करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है तो आप अपने घर के पुराने कपड़े को भी यूज़ कर पाएंगे और बहुत ही सुंदर सा ये डोर मेड टेबल मैट कुछ भी बना सकते हैं तो देखिए ये इसमें मैंने ये दो कलर यूज़ किया है तो इसमें मेरा ये ये वाइट वाला तो उस आधा मैंने उसमें यूज़ किया था आधा इसमें मैंने यूज़ किया है तो एक मेरी वाइट लेगी थी एक ये पर्पल और एक ब्लैक तो इसमें तीन कपड़े मैंने यूज़ किया है और ऐसे ही सेम उसमें भी था जो मैंने पहले बनाया है सेम मैंने एक सारी साथ में ही छोटी सारी गूँथी थी फिर मैंने वो गोल बनाने के बाद जितना मेरा ये बचा था उसको मैंने इसमें कर लिया तो देखिए कहीं भी कहीं जोड़ भी नहीं दिख रहा है और कितनी फिनिशिंग आई है तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा और जो भी कुछ होगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा अब लास्ट में क्या करना है इसको आपको उसी में अच्छे से सिल देना है ज्वाइन कर देना है ताकि काफ़ी फिनिशिंग आ जाए और ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहा है और ये भी काफ़ी बड़ा ही बना है तो मैंने एक ही इंच की इसमें पट्टी कट करी थी तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपको मोटा थोड़ा सा और भी लेना है तो आप मोटे भी कर सकते हैं पट्टी की जोड़, पर ये वाला बहुत ही इजी अच्छा से आप इसको फेविक ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं अगर मोटा रहेगा तो आपको सिलना ही पड़ेगा अगर आपको पेस्ट करना तो आप पतले भी छोटे घूस सकते हैं देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया ये काफ़ी ये भी बड़ा ही है तो बाय बाय टेक केयर स्टे एट होम भी सेव